लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व दोनों डिप्टी सीएम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। बता दें कि ये अभियान 25 सितंबर तक चलेगा। इसी मौके पर कार्यक्रम में मौजूद रही लखनऊ की मेयर सुषमा खारकवाल से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने बातचीत की है। यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद आज अपना सबसे बड़ा ड्राइव लॉन्च किया है। खुद सीएम योगी ने जो मेंबरशिप कैंपेन है उसको लॉन्च किया है और इस वक्त मेरे साथ लखनऊ की मेयर सुषमा खारकवाल जी हैं। मैम, देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शन के बाद चूंकि पीएम मोदी ने कल इसको दिल्ली में लॉन्च किया और आज सीएम ने, चूंकि आप लोग यहां पर मौजूद थी, अगर हम यूपी की बात करें तो सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा टारगेट है 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का। लखनऊ में किस तरीके से इस कैंपेन को आप लोग आगे बढ़ाने वाली हैं? यूपी का 3 करोड़ है तो हम 3.5 करोड़ पार करेंगे और जो लखनऊ का पिछली बार का टारगेट था उसे भी हम पार करेंगे। और ये अभियान, सदस्यता अभियान तो हमारे यहाँ सदियों से चलता रहा है। कार्यकर्ताओं में आपको लगता है कि जोश वही पुराना वाला बरकरार है या फिर मतलब अब डिजिटली जो चीजें करेक्ट होने लगी हैं तो उसमें थोड़ा बदलाव महसूस करती हैं? जो कार्यकर्ता हैं उन पे वही जोश है, बीजेपी में कार्यकर्ताओं में वही जोश है। उपचुनाव में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, अब जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो इस मुद्दे पर किस तरीके से लोगों को आप मोटिवेट करेंगे या फिर उनको अपने साथ जोड़ने? हम भारतीय हैं और हमें जाति से मतलब नहीं है, हम हिंदू हैं और हिंदुत्व लेकर के आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस समय हमें अति आवश्यकता है कि हम सब लोग एक हों। विपक्ष जब हार जाता है, विकास के कार्यों में पीछे छूट जाता है, वो तो जाति पे वो गलत प्रचार करने लगता है। लखनऊ की मेयर का ये दावा है कि यूपी में बीजेपी अपने लक्ष्य से आगे बढ़ने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। वहीं गाजियाबाद